हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवीएस क्लासेस। अज अपना 21 डे चैलेंज का सैकेंड डे आ। तो तुहानू पता है कि 21 डे चैलेंज की है। इहदे च आपां नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए 21 दिन के आपां टैसट सॉल्व करांगे ऑनलाइन। ठीक है, टैसट लई तुसीं खुद पहला करो, आपदे रिविजन करोगे। ठीक है, चाहे तुसीं अपनियां बुक्स तो करो या फिर साडे स्टडी मटीरियल तो करो। जिवें साडी ऐप के उपर की है, नायब तहसीलदार का कॉम्बो पैक अवेलेबल है, जिहदे च कि जीके ते करंट अफेयरस दोनों ने। ठीक है, उन्दे विच हरेक सबजैक्ट के अलग अलग सैट्स बने हुए हैं। उन्होंने सैट्स के मैं थानू कि इतने टैसट पूछती हूँ। ठीक है, तो तुम वह कॉम्बो बाय कर सकते हो। इस तो अलावा साड़ी ऐप के उपर नायब तहसीलदार की टैसट सीरीज अवेलेबल है, जिद टोटल 6 टैसट ने। एक टैसट की उत्थे फ्री अवेलेबल है। ठीक है, 1 फ्री मॉक भी अवेलेबल है ऐप के उपर। इस करके साड़ी पीवीएस क्लासेस की ऐप में जरूर डाउनलोड करना है। तो बाकी पीपीएससी के पुराने पेपर भी उत्थे पए हुए हैं, जिन्हें भी हुण तक पेपर हुए हैं, सारे अवेलेबल ने ऐप के उपर। तो इस चैलेंज के पहले 9 दिन आप हिस्टरी करांगे, अगले 5 दिन आप जियोग्राफी, अगले 7 दिन आप पॉलिटी करांगे। देखिए हिस्टरी अज आप कर रहे हैं एंशियंट, है ना। अज अपना सैकेंड डे आ, अज आप एंशियंट हिस्टरी बिल्कुल खत्म कर देनी है। ठीक है, अज आप चौथा, पांचवा, छेवां ते सातवां, इन्हां चार सैट्स के थोड़ा टैसट होगा। ठीक है, कल तो अपनी मिडीवल शुरू हो जानी है। मिडीवल के टोटल की 6 सैट ने। तो पहले दिन पहला 2 सैट का कल टैसट होगा, अगले दोवों का उस तो बाद, उस तो अगले दोवों का उस। ठीक है, तो टोटल अपने 6 सैट ने, उन्होंने आप तिना दिन चाहिए कवर अप करना है। ठीक है, तो अब आप कर रहे हैं मिडीवल, मिडीवल का अब अपना सैकेंड डे, तो ये आप अपने 4 सैट करने हैं। ठीक है, बाकी प्लैन का भी तुम स्क्रीनशॉट लै लो कि अगे आप पढ़ना है, तो शुरू करते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ मैं होर दसना चाहनी हाँ कि ये क्लास में तुम लाइव ही देखा करो, मतलब जो अपनी क्लास स्ट्रीम हो रही थी उदों ही देखा करो। हुण आपां थोड़े दिनों बाद इस क्लास में बाद विच रिकॉर्डिंग के तौर पर अवेलेबल नहीं करवाना गा। ठीक है, सिर्फ लाइव स्ट्रीम ही होया करूगी, उस तो बाद अवेलेबल नहीं होया करूगी आपके ऊपर। तो हुण आपां टॉपिक शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तुसीं राइट आंसर कमेंट्स के दसना है। एक चीज़ होर याद रखनी है कि लास्ट से अपना टोटल स्कोर भी कमेंट करना है। ठीक है, तो की है देखो, द लैंड मेजर्स ऑफ सैकेंड पांडियन एम्पायर वास मैनशनड इन, है ना। तो दूजी पांडे अंपायर से जी, उन्हें जो भी लैंड की गिनती विनती बारे वेरवा से कितने पाया गया। ठीक है, वो जानकारी आपको कितों मिलती है। तो आ चार ऑप्शन ने थोड़े को, राइट आंसर कमेंट करना है। टाइम स्टार्ट ना, राइट आंसर गैस करो की होगा। इस तो अलावा सानू इत्थे जिन्हें भी ऑप्शन ने उन्होंने बारे जो कोई भी इनफॉर्मेशन पता होवे, तुहानू आपके दिमाग दे विच रीकॉल जरूर करना, तां जो तुहानू मैक्सीमम फैक्ट्स याद रहे। ठीक है, तो कमेंट भी करया करो, मोटिवेशन बनी रहिंदी है कि आपां देखिए कि असीं कित्थे स्टैंड करते हैं। ठीक है, कमेंट करन वाली अपनी वीडियो देखने दिल करता है। तो की इहदा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, थलावाईपुरम कॉपर प्लेट्स। ठीक है, थलावाईपुरम कॉपर प्लेट्स, इहदे च की आ, इन्हां प्लेट्स के उपर मैनशन किया होया सीगा कि भी लैंड सिस्टम किवें दा सी उदों। ठीक है, होर की आ, उस ब्राह्मणा नूं जिहड़ी जमीन दान की जाती सी उहदे लई की क्राइटेरिया सीगा, की उन्होंने किया होना चाहिए, की क्वालिफिकेशन जिहदे बेस ते कि ब्राह्मणा नूं लैंड गिफ्ट की जाती सी राजा वल्लों। ठीक है, तो यह सीगी अपनी जिहड़ी पांड्या अंपायर आ उहदे लैंड मेजर्स बारे आपां नूं पता चलदा वा, थलावाईपुरम कॉपर प्लेट्स। ठीक है, इस तों अलावा जिहड़ी इंपोर्टेंट कॉपर प्लेट्स ने कड़ियां ने, उत्तराई मेरू इंस्क्रिप्शन ते कसादुदी कॉपर प्लेट्स। तो इन बारे भी देखो अपनी जी ऐप आ, हरेक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई उ। देखो कसाखुदी प्लेट्स वो बिलोंग कर दी पल्लवा एम्पायर नाल, उथराई मेरू की आ बिलोंग कर दी चोल एम्पायर नाल। ठीक है, तो अपने 2 एक्सट्रा पॉइंट भी इतने कवर हो रहे हैं। तो नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं, विच इंस्क्रिप्शन मैनशनड अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोल एम्पायर। हमने आप पिछले करके हटे हैं, वह रिलेटेड एक होर क्वेश्चन आ गया, है ना, कि चोल एम्पायर जी, चोल एम्पायर के पिंडा के प्रशासनिक प्रबंधा बारे, पिंडा की एडमिनिस्ट्रेशन बारे कितों जानकारी मिलती है। तो कि इंस्क्रिप्शन आ, जूनागढ़, एहोल, उत्तराई मेरू, नासिक, है ना। वैसे ए आ दोवें भी बहुत इंपोर्टेंट ने, आ भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जिहड़ियां तिन्ने ऑप्शनस ने बहुत इंपोर्टेंट ने, तिन्ना बारे थानू जानकारी होनी चाहिए। हुण तुसीं राइट आंसर कमेंट करना।
हाँ जी तो कमेंट करो राइट आंसर। हाँ जी आप हमने पढ़ के हटे हैं कि तराई मरूर की चोल वंश ने संबंध रख दिया है ना कसाक की पलवा न अपने इतों एडिशनल क्वेश्चन भी कवर हो रहे थे ऐसे चीज़ से हम अपन नवा क्वेश्चन पूछ लिया गया वा कि उतराई मेरूर वाली किनू बिलोंग कर दी चोल वंश ही उतराई मेरूर बिलोंग करता। ठीक है अगे देखो एक दसवीं सदी की इंसक्रिप्शन आ ठीक है जी च की आ जी कि ब्राह्मण नाम के विलेज के कंध से आ ठीक है वो एक टैंपल की कंध से आ चोल वंश की विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बारे दसती है तो जी भी आप एडिशनल इनफॉर्मेशन पढ़ते होंगे वह बेनीफिट यह आ कि वो एडिशनल इनफॉर्मेशन एग्जाम पूछी जा सकती है। दूसरा बेनीफिट यह कि आपां नूं जिहड़ी मेन इनफॉर्मेशन आ जिहड़ा मेन क्वेश्चन आ उहनूं याद रखण च हैल्प करती है। ठीक है सो इनफॉर्मेशन जरूर पढ़िया करो। अगे देखो पंच सिद्धांतम ठीक है पंच सिद्धांतम जिहड़ी की आ वारामीर ने लिखी आ इह काहदे बारे बुक ठीक है पंच सिद्धांतम जिहड़ा वारामीर ने लिखिया इह काहदे बारे आ एस्ट्रोलॉजी बारे एस्ट्रोनॉमी बारे मैडिसन बारे जां एनाटॉमी बारे। तो राइट आंसर तुसीं कमेंट करना है कमेंट करो। हाँ जी तो यह क्वेश्चन की है वारामीर का पंच सिद्धांतम। ठीक है तो पहले तो एक क्वेश्चन अपने यही बनना कि पंच सिद्धांतम किने लिखा तो वारामीर ने लिखा तो कादे बारे से एस्ट्रोनॉमी बारे। ठीक है एस्ट्रोनॉमी बारे से एक चीज़ होर याद रखनी है कि यही जिहड़ा वा कि परसन वारामीर उज्जैन बिलोंग करता से ये कई बार पूछ लेंगे। अगे देखो द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया डिराइव्ड इंडिया जिहड़ा शब्द है वह किहड़ी भाषा तो बनया इंग्लिश ग्रीक परसियन ज अरबिक केड़ी भाषा तो इंडिया शब्द बनया कमेंट करना है राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी तो राइट आंसर का की है ऑप्शन नंबर सी परशियन भाषा तो ही यह शब्द बनाया गया था। ठीक है इंडिया जड़ा वर्ड है यदा जड़ी ओरिजिन है हिंदू वर्ड तो होंगे हिंदू तो की है कि बनया सीगा इंडिया शब्द बनया सीगा। ठीक है इस तो अलावा संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द तो इंडस रिवर का नाम बनया। ठीक है तो ईवन कि ग्रीक्स ने भी इनू इंडिया कहा सी ऑलमोस्ट सारे का समहाउ इस नेम के बन दे विच कोई कनैक्शन हैगा वा। सबजैक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इस रिलेटेड टू कहते मनुस्मृति जी कादे बारे है इकनोमिक्स बारे पॉलिटिक्स बारे लॉ बारे ज आर्टिक्स बारे आर्ट बारे। ठीक है एक्स वन आर्ट बारे तो कादे बारे है राइट आंसर कमेंट करो। हाँ जी तो मनुस्मृति हैगी है कादे बारे लॉ बारे। ठीक है काफ़ी फेमस आ छे कि स्मृतियां ने छे उन्होंने एक मनुस्मृति है दो की ने प्री गुप्ता पीरियड दिया ने चार की ने
पोस्ट गुप्ता पीरियड दियां ने, यानी कि दो गुप्त काल तो पहला दियां ने ते चार गुप्त काल तो बाद दियां ने, ठीक है। टोटल छे समृतियां ने, ते सारी एडिशनल इनफॉर्मेशन जो भी तुहानू पता हुंदी उहनू आपदे माइंड दे विच सोचिया करो कि सानू इस चीज़ बारे होर की पता है, ठीक है। अगे देखो, द सेज हु इज सैड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया, है ना, तो साउथ इंडिया दे विच आर्यनस ਹਿੰਦੂ ਆਰਿਆਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਆਰਿਆ ਵਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਯਗਨਵਾਲਕਿਆ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਠਾ, ਅਗਸਤਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੇਜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਆ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਰਿਆਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਰਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਰਿਆਨਾਈਜ਼ਡ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਸਤਸਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਸਤਸਿਆ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤਸਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਮਿਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਗਾਥਿਅਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਵਨਾਮਾ ਪਿਆਦਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਨਾਮਾ ਪਿਆਦਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੌਰਿਆ ਕਿੰਗ ਅਸ਼ੋਕ, ਮੌਰਿਆ ਕਿੰਗ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਨਾਮ ਪਿਆਦਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਦਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਮੌਰਿਆ ਕਿੰਗ ਅਸ਼ੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ, ਮੌਰਿਆ ਕਿੰਗ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਪਿੱਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੌਰਿਆ ਕਿੰਗ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੇ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦੂਸਾਰ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਅਸ਼ੋਕ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬਿੰਦੂਸਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਚੀਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ? ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰਕ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਜ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅਸ਼ੋਕਾਸ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ? ਬ੍ਰਹਮੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਪਾਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ?
तुसी दसो कि भाषा अशोक दी जड़ियां उह लिखतां ने उन्हां दे विच वरती गई है। हाँ जी, तो देखो जिमें कि पाली भाषा वा, ठीक है, इन्हें बहुत सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया वा, सो अपन कभी भुलेखा पैंदा कि पाली इहदा राइट आंसर होगा, बट नहीं, इहदा राइट आंसर है ब्रह्मी। ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट दे विच लिखिया एम पी दे विच, जिहड़ियां खास करके उहदियां इंस्क्रिप्शनस ने, उहदे विच की मगधी भाषा वरती आ, ते बट जिहड़ी स्क्रिप्ट आ, ठीक है, जिहड़ी लिपि आ उह ब्रह्मी वरती आ। कई जगह ते खरोश्ती स्क्रिप्ट वी उहने वरती हुई आ, ते खरोश्ती ते ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखियां सीगियां। इस भाषा को पढ़ने का काम किसने किया, जेम्स प्रिंसिप ने, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट से जेम्स प्रिंसिप। अगर देखो हूज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अलाहाबाद पिलर, अलाहाबाद पिलर आ जोड़ा तो मैं स्टार्टिंग दस पिलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, अलाहाबाद से ए होल पिलर, अलाहाबाद पिलर के उपर कि प्राप्तियां का वेरवा, कि अचीवमेंट्स लिखिया गई वा अलाहाबाद पिलर से, चंद्रगुप्त मौर्य, समुंदर गुप्त, विक्रमादित्य, स्कंद गुप्त। राइट आंसर कमेंट करो। हाँ जी, तो राइट आंसर की होगा ऑप्शन नंबर टू, समुंदर गुप्त। ठीक है, तो समुंदर गुप्त के बारे ही अलाहाबाद पिलर के दसया गया वा। ठीक है, एक चीज़ होर दस होर आर, जो भी सत्रह लिखिया गई ने अलाहाबाद पिलर के उपर, उन्होंने कंपोज किया वा हरी सेन ने, जिड़े कि उस टाइम के एक बहुत फेमस पोइट से, उन्होंने इन्होंने सत्रह में जड़िया लाइना उत्थे लिखिया उन्होंने कंपोज किया। ये लाइना कि बारे आ, समुंदर गुप्त बारे, अलाहाबाद पिलर यूपी च। अगर देखो गौतम बुद्ध वाज बोर्न एट, तो गौतम बुद्ध का जन्म कित्थे होया सी, इस चीज़ का तुसी आंसर देना कि गौतम बुद्ध का जन्म कित्थे होया सी। आ सारिया जगह का संबंध महात्मा बुद्ध नाल हैगा वा, ठीक है, तो तुहानू सारिया की इनफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहड़ी जगह पर की होया सीगा, तुहानू तुसी दसना कि कित्थे जन्म होया सी, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुंबिनी, इन्हां चों कहड़ी जगह पर महात्मा बुद्ध का जन्म होया सी। कमेंट करो राइट आंसर। हाँ जी, का राइट आंसर की है, लुंबिनी नाम की जगह के उपर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ सी, ये जगह है कितने, यह नेपाल च है। ठीक है, तो सारनाथ, सारनाथ जगह कहदे वास्ते फेमस है, कमेंट करो, इतने की महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिता सीगा, फस्ट सैरमन उन्हें आपका इतने डिलीवर किया, फस्ट सैरमन पहला उपदेश आपका इतने दिता सीगा। अगला क्वेश्चन, बोध, अगला की है बोधगया, बोधगया जगह पर की हुआ सी, इतने महात्मा बुद्ध ने तपस्या करने तो बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई सी, ठीक है, इनलाइटमेंट हुई सी उहदी। ते कुशीनगर दे विच की हुआ सीगा, कुशीनगर दे विच महात्मा बुद्ध की डैथ हुई सी, ठीक है, कुशीनगर के महात्मा बुद्ध की डैथ हुई सी, भी की है यूपी च आई जगह। ठीक है, बोध गया कितने है, बिहार च, ये चीज़ा, तो सारिया चीज़ा, ये सारे प्लेसिस के समहाओ गौतम बुद्ध ना रिलेटिड सके, आदि एक्सप्लेनेशन दिती हुई है। अगर देखो नालंदा यूनीवर्सिटी, नालंदा यूनीवर्सिटी की स्थापना किने की सी, एदा भी राइट आंसर कमेंट करना, हर्षवर्धन, कुमार गुप्त, समुंदर गुप्त, चंद्रगुप्त, इन चो की ने, नालंदा यूनीवर्सिटी जिहड़ी कि बिहार च आ, तो इंडिया की पहली यूनीवर्सिटी है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए जो इंडिया इकट्ठा सी, एक चीज़ से तुम बड़े कन्फ्यूज होने कि जिमें आह इंडिया, सॉरी ड्राइंग थोड़ी जी पुअर, हाँ हैगा पाकिस्तान, जे कोई पूछे
एंशियंट इंडिया की सब तो पुरानी यूनीवर्सिटी कही सी है ना, तो सारा इंडिया इकट्ठा से ना उदो उदो पहली यूनीवर्सिटी, वैसे सब तो पहली यूनीवर्सिटी दुनिया की कही है तक्षशिला, दुनिया की सब तो पहली यूनीवर्सिटी कही है तक्षशिला, इंडिया की पहली यूनीवर्सिटी भी कही तक्षशिला बट ये चली गई है पाकिस्तान तक्षशिला। हुण जे आपां नूं कोई पूछे इंडिया की पहली यूनीवर्सिटी कही सी तो हुण हैगी आ नालंदा, क्योंकि जिहड़ी असल च पहली सी पाकिस्तान चली गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड की पहली यूनीवर्सिटी जो ऑप्शन तक्षशिला पाई तक्षशिला तो टिक लाओ, पर जे कोई इंडिया की पूछ लवे तो हुण इंडिया दे विच जिहड़ी यूनीवर्सिटी है सब तो पुरानी वो कि नालंदा वा, क्योंकि तक्षशिला पाकिस्तान च है। ठीक है, ये चीज़ वैरी क्लीयर होवे। हुण पुछिया वा नालंदा यूनीवर्सिटी की स्थापना किने कीती सी, तक्षशिला इज इन पाकिस्तान, नालंदा इज इन इंडिया, हाँ आंसर कमेंट करो। नालंदा यूनीवर्सिटी की स्थापना किने कीती सी, कुमार गुप्ता ने। ठीक है, एक गुप्त वंश का रूलर से कुमार गुप्ता, इन्हें किया नालंदा यूनीवर्सिटी की स्थापना की सी, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, इस तो अलावा जे आप कोई पूछे कि भी होर भी कई इंपॉर्टेंट यूनीवर्सिटीज़ ने जिमें हैगी उदंतपुरी बिहार के, ठीक है, उन्होंने बारे पूछ रहे थे पता होना चाहिए। उदंतपुरी यूनीवर्सिटी इसकी स्थापना किने की सी, गोपाला ने, गोपाला की सी पाल डेंसिटी का रूलर से उदंतपुर यूनीवर्सिटी, उदंतपुर यूनीवर्सिटी की स्थापना की सी गोपालापुरी ने। विक्रमशिला यूनीवर्सिटी, विक्रमशिला यूनीवर्सिटी की स्थापना की सी धर्मपाल ने, विक्रमशिला यूनीवर्सिटी की स्थापना की सी धर्मपाल ने। ठीक है, तो सोमापुर यूनीवर्सिटी की भी धर्मपाल ने, सोमपुरी आ दो यूनीवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल ने की सी। सो पाला डेंसिटी ने भी यूनीवर्सिटियां बनाने में काफ़ी रोल अदा किया। ठीक है, ये भी दो पॉइंट हमें नाल एक्सट्रा पता होने चाहिए ने। अगे देखते हैं आप, हू अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इनवेड इंडिया, इंडिया के हमला करने वाला पहला कौन सी, इंडिया के सब तो पहली घुसपैठ करने वाले कौन से, उन्होंने राइट आंसर जी गैस करना वा तो कमेंट करो। तो राइट आंसर इसका की है, डेरियस वन, डेरियस वन ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। ये कौन से, परशियन से। ठीक है, एक परशियन से जिन्होंने इंडिया से हमला किया, पंजाब का जो इलाका वा इधर ही इन्हों का कब्जा सी। अगे देखो, अरबा नूं किने हराया सी, अरब्स वर डिफीटेड इन 738 AD बाय, अरबा नूं किने हराया सी, प्रतिहाराज ने, राष्ट्रकूट, स्पाला, चालुक्य, इन्हां चों किहड़ा वंश सी जिन्हें अरबा नूं हराया सी, राइट आंसर कमेंट करो। अरबा नूं हराया सीगा चालुक्यज ने। तो तुसीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है कि बैटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की लड़ाई के विच की आ इन्हां नूं हराया गया सीगा, ते किने किने हराया सीगा, मेन तौर पर चालुक्य वंश के विक्रमादित्य ने, ते नाल उहदे कौन सीगा नागभट राजा सीगे प्रतिहार डेंसिटी का। ठीक है, बट मुख रोल सीगा इन्हां च विक्रमादित्य। राइट ऑप्शन की आ फोर। ठीक है, अगे देखो, मोनोलिथिक रथ्स ऑफ पल्लवाज आर फाउंडेड, मोनोलिथिक रथ जिहड़े पल्लवा ने बनाए सी वो कित्थे मिलदे आ, तो नाल याद भी रखना कि बनाए किने सी, पल्लवा ने बनाए सी। मोनोलिथिक रथ का मतलब की हुंदा वा, देखो मोनोलिथिक मोनो मतलब वन, ठीक है, लिथिक मतलब हुंदा वा रिलेटेड टू स्टोन, पत्थर नाल संबंधित, जिहड़ा एक पत्थर तो बनया होया रथ होवे, मतलब एक बहुत वड्डा सारा पत्थर, ठीक है, उहनू कट कट के उत्तों रथ बनाए गए, टोटल आई थिंक 6 या 8 रथ आ। ठीक है, मतलब जिन्हें भी ये रथ है खैर वो सारे महाभारत के करैक्टर के नाम से आ। ठीक है, ये भी याद रखना, महाभारत के करैक्टर के नाम से ये रथ बनाए गए आ, पल्लवा ने बनाए आ। दसो जी मिलते कितने आ, कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या आगरा, इन्हों कि जगह पर ही मिलते हैं, राइट आंसर कमेंट करो, कमेंट द राइट ऑप्शन।
राइट आंसर इहदा है ऑप्शन नंबर 3 महाबलीपुरम तमिलनाडु दे विच। ठीक है तो महाबलीपुरम वो जगह वा तमिलनाडु दे विच जिथे ये रथ मिलते हैं। ठीक है पल्लवा आर्ट की यह एक एग्जाम्पल है बहुत वधिया। देखो हू अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्टडी नाल किहदा तालुकात है। ठीक है इन्हां चों की ने हड़प्पा की जिहड़ी भी खुदाई हुई है उहदे नाल उहदा संबंध है। तो राइट आंसर तुसीं कमेंट करना है। तो देखो इहदा राइट आंसर की आ कमेंट कर दो जल्दी जल्दी फिर मैं दसदी हाँ। इहदा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों राइट आंसर है क्योंकि देखो सब तो पहला हड़प्पा सभ्यता की खोज की सी दया राम साहनी। दया राम साहनी ने 1921 दे विच फिर की माधो स्वरूप वत्स एम एस वत्स मतलब माधो स्वरूप वत्स ने 1926 दे सब तो लास्ट की व्हीलर ने 1946 दे विच। तो देखा जाए तो अपन ए लगता वा कि एम एम व्हीलर भी आंसर हो सकता वा तो आ भी हो सकता बट देखो सब तो पहले दया राम साहनी ने की वो ऑप्शन च है नहीं सी फिर उस तो बाद की एम एस वत्स ने तो आप इतने टिक लावे क्योंकि यहाँ थर्ड परसन आदि खोज करने वाली जां तां फस्ट परसन टिक लावांगे अवेलेबल नहीं फिर आप लावेंगे सैकेंड तो जो भी अवेलेबल नहीं फिर आप लावेंगे थर्ड से तो सैकेंड परसन अवेलेबल से माधव स्वरूप वत्स एम एस वत्स तो अपना राइट आंसर होगा एम एस वत्स। हाँ चीज इन्होंने कि इतने ग्रेनरी लभी सी। ठीक है अगे देखो आ ट्यूटर ऑफ अलैगजेंडर द ग्रेट वॉस। ठीक है अलैगजेंडर ग्रेट का ट्यूटर कौन से टीचर कौन से मतलब सिकंदर का टीचर कौन से डेरियस साइरस सोक्रेट्स अरिस्टोटल इन्हों चो कि अलैगजेंडर का यानी कि सिकंदर का ट्यूटर से हाँ जी तो ये जेडे परसन से अरिस्टोटल से। ठीक है इन्हों का की है इंग्लिश लिटरेचर के बहुत योगदान आ इन्होंने फिजिक्स बारे साइंस बारे ड्रामास बारे कि ड्रामा किवें दे होने चाहिए आ। ठीक है लिटरेचर बारे बहुत सारिया फील्ड्स के बारे तकरीबन 200 किताबा लिखिया हुई जिन्हों से कुछ अवेलेबल है कुछ नहीं तो इन्होंने बहुत सारिया बुक्स लिखिया ने यह इन्हों सिकंदर के गुरु से। ठीक है अरिस्टोटल गुरु से अलैगजेंडर जाने की सिकंदर के। ठीक है अरिस्टोटल के गुरु कौन से ये भी याद रखना प्लूटो प्लेटो। ठीक है प्लेटो ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखो विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश टेंपल ऑफ सिवात वन एलोरा। एलोरा दे विच कैलाश टेंपल केड़े राष्ट्रकूट राजे ने बनाया कई बार तो यही पूछ लेंगे कि एलोरा टेंपल केड़े राजे नूं बिलोंग करते तो राष्ट्रकूट राजे नूं बिलोंग करते हैं है ना कई बार यही पूछा जाता है कि एलोरा टेंपल किनूं बिलोंग करते हैं राष्ट्रकूट राजे नूं। हाँ जी पूछ लेंगे ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਅਮੋਗ ਵਰਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵਨ ਵਤਸ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। राइट आंसर है राष्ट्रकूट राजा कृष्णवान। ठीक है उन्होंने कैलाश टेंपल बनाया इस कैलाश टेंपल दे विच किया के जो भी मेन उन्हों का असल च कैलाशनाथ टेंपल आ है ना फेमस वाला उन्होंने ही ऑलमोस्ट कॉपी किया वा। ठीक है उनका ही एक मेगालिथ
बनाया वा, मतलब उन्होंने एक सिंगल रॉक के विचों कट के वह जी प्रतिमा वगैरह सारा कुछ बनाने की कोशिश की गई है इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कौंडा। वतापी कौंडा आपके आप ने कहा है, आपके आप वतापी कौंडा का रुतबा किने दिता, कि पल्लवा राजे ने दिता। ठीक है, तभी कदों से चालुकिया के किंग पुलकेसन टू हराया उन्हें। ठीक है, कोई पल्लव राजा से जिन्हें चालुकिया राजे पुलकेसन टू हराया, खुद को वतापी कौंडा का टाइटल दिता। वो कौन से, नरसिम्हा वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन, परमेश्वर वर्मन वन, नंदी वर्मन। ठीक है, राइट आंसर कमेंट करो। कमेंट द राइट आंसर, तो सी नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन ने खुद को वतापी कौंडा कहाया। वतापी कौंडा का मतलब की है, वतापी ते कब्जा करने वाला। ठीक है, ते बाद विच की है, जो पल्लवा ने वतापी नूं जित लिया तो यह उन्होंने राजधानी बन गई, पल्लवा की नवी राजधानी बन गई वतापी। तो फिर यही पूछ रहे थे कि नरसिम्हा वर्मन की राजधानी कौन सी, तो याद रखियो वतापी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन, नरसिम्हा वर्मन वन। अगे देखो, हु अमिडस्ट द फॉलोइंग वॉज द वाइफ ऑफ एम्परर अशोका हु इनफ्लुएंस्ड हिम। है ना, तो यह जी कि औरत सी जिन्हें अशोका नूं प्रभावित किया, तो वो पत्नी भी बनी। ठीक है, वह नाम दसना, चंद्रलिका, चारुलता, गौतमी, करुवाकी। ठीक है, अशोक मौर्य एम्पायर का अशोक, उनकी आप वाइफ का नाम दसना। राइट आंसर गैस करो। हाँ जी, तो नाम की सी, ऑप्शन नंबर फोर, करुवाकी। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने का फायदा यही होंगे कि आपको याद रहने हेल्प होंगी, भावें इंपॉर्टेंट होवे इन्फॉर्मेशन भावें ना। ठीक है, तो किसी करुवाकी बारे वो कहा जाता कि किसी फिशरमैन की कुड़ी सी। ठीक है, मछुआरे की कुड़ी सी, उन्हें किया कलिंगा की लड़ाई के अशोक के खिलाफ लड़ी सी। ठीक है, एक पासे अशोक उल्ट पासे करुवाकी लड़ी सी, क्यों, जो कलंगा के सारे बंदे मर गए सी जां जख्मी हो गए सी, कोई लड़न वाला नहीं सी रहा, तो करुवाकी अशोक के खिलाफ लड़ी सी कलिंगा की लड़ाई के। देखो, हू प्रपाउंडड द एट फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिजरी ऑफ मैनकाइंड। है ना, की क्या गया कि दुखों का अंत करने के लिए किने एट फोल्ड पाथ बारे दसिया वा। ठीक है, तो किहड़े धर्म ने इस चीज़ बारे कहा वा, जां किहड़े बाबे ने इस चीज़ बारे कहा वा, तो कि महावीर जैन, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर, इन्होंने किने ये गल कही है। राइट आंसर कमेंट करो। एट फोल्ड पाथ बारे कि दसिया वा बुद्ध धर्म ने। ठीक है, जाने की महात्मा बुद्ध इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टू। एट फोल्ड पाथ बारे कि दसिया वा महात्मा बुद्ध ने। इतने अज थ्योरी तुम पढ़ोगे तो एक गल होर पता लगेगी कि फोर ट्रुथ्स, चार सच्चाइया कि, चार सच्चाइया की गल कि धर्म च हुई है, फोर ट्रुथ्स। ठीक है, फोर ट्रुथ्स, चार सच्चाइया की गल भी कि हुई है, वो हुई है बुद्ध धर्म के। ठीक है, उन्होंने चार सच्चाइया के एक सच्चाई कही आह एट फोल्ड पाथ की जानकारी, एट फोल्ड पाथ की जानकारी। ठीक है, ये चीज़ इतने अपना लैक्चर खत्म होंगे वा, सारे ने अपने टोटल स्कोर दसना। टोटल आप 20 क्वेश्चन किए थे, तुम कमेंट करके दसना कि थोड़े 20 के किन्ने सही ने। ठीक है, तो सब ने अपना पूरा ईमानदारी दसना, क्योंकि तुम आपके लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो किसी होर नहीं कर रहे, तो अपना जो राइट थोड़ा टोटल स्कोर है वो कमेंट करके दसो। ते लैक्चर चंगा लगा हो इनू शेयर ते लाइक जरूर करके जाना है, कमेंट च भी अपने विचार जरूर दसने ने। ठीक है, तो कमेंट करो अपना स्कोर टोटल।
हाँ जी, तो फिर इतने आप लैक्चर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लैक्चर। हैप्पी लर्निंग।